हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निशा किचन। आज मैं एक और न्यू रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार लच्छे पराठे की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी लच्छे पराठे की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें आटा गूंद के रेडी करना है। तो देखिए फ्रेंड, हमने 250 ग्राम मैदा लिया है। इस स्टेज में हाफ टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के टाइट डो फ्रेंड्स रेडी करते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, डो रेडी करते हैं साफ हाथों से। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से मिक्स करना है। फ्रेंड्स, आप भी रेसिपी ट्राई कीजिएगा लच्छे पराठे की, आपको जरूर बहुत पसंद आएगी। देखिए फ्रेंड्स, आटा मैं गूंद रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने गूंद के रेडी कर लिया आटा। इससे फ्रेंड्स 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखना है, रखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आफ्टर 10 मिनट्स हमारा आटा अच्छी तरह सेट हो गया। नाव इसकी बॉल्स तोड़ेंगे। लोइयाँ मीडियम साइज़ की फ्रेंड्स हमें लोइयाँ तोड़ के रेडी करनी है, और लच्छा पराठा हमें बेल के रेडी करना है लच्छा पराठा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने मैदे को डस्ट कर दिया है, सूखे मैदे को, और इन लोई रखेंगे और बेलेंगे लंबी साइज़ की फ्रेंड्स। बड़े साइज़ की फ्रेंड्स हमें रोटी बेलनी है। देन फ्रेंड्स, हम ऊपर प्लेट लच्छे निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने रोटी बेल ली है। स्टेज में थोड़ा सा रिफाइंड तेल डालेंगे, अच्छी तरह स्प्रेड करेंगे हाथों से, साफ हाथों से। कलौंजी डालेंगे, धनिया पत्ता बारीक कट करके ऊपर से डालेंगे। अच्छा फ्रेंड्स फ्लेवर आता है इसलिए हम डालते हैं। और ऊपर से फ्रेंड्स मैदा डस्ट करेंगे और प्लेट्स को बनाते हैं। फ्रेंड्स, मैदा डस्ट करने से फ्रेंड्स हमारे प्लेट्स से अच्छी तरह बनते हैं, साथ में चिपकते हैं, इसलिए फ्रेंड्स हम मैदे को डस्ट करते हैं, सूखा मैदा। इस फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ, ये उठाएंगे प्लेट्स फ्रेंड्स वन बाई वन, एक के ऊपर फ्रेंड्स हमें रखनी है। देखिए, ये उठाएंगे और ऊपर रखते जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, अपनी वीडियो का अपडेट हमेशा टाइम पर मिलता रहे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्लेट्स करके रेडी कर लिया है। नाउ फ्रेंड्स, यूँ खींचेंगे, लंबा करेंगे और यूँ फोल्ड करेंगे। लोई रेडी करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यूँ फोल्ड करके आराम से फ्रेंड्स लच्छा पराठा हमारा बन जाता है। ये फ्रेंड्स किनारा बचेगा, यूँ नीचे से ऊपर से आप पैक कर दें। नाव सूखा मैदा डस्ट करके इसे रोटी बेलते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, मैदा डाल के हमें रोटी बेलनी है। देखिए मैं बेल रही हूँ बड़े साइज की या मीडियम साइज़ की, जैसे फ्रेंड्स आपको पसंद हो आप बेल सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, बेल के रेडी हो गई है। नाव इसे सेकेंगे। इसी तरह फ्रेंड्स सभी पराठे हमें रेडी करने हैं बेल के। मैं आपको सेक के दिखाती हूँ कि पराठे के लच्छे पर देखिए अलग अलग हो जाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम में फ्रेंड्स हमें पराठे को सेकना है। पहले एक साइड से सेकेंगे, साइड को चेंज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक साइड से हमारा पराठा हल्का सेक गया है। दूसरी साइड से भी सेक के साइड को चेंज करके ऊपर से तेल लगाएंगे। फाइन तेल फ्रेंड्स मैं लगा रही हूँ, आप देसी घी भी लगा सकते हो जो आपको पसंद हो। दोनों साइड अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक पराठे को कुक करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पराठा कुक कर लिया। देखिए फ्रेंड्स, लच्छे अलग अलग दिख रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ प्लेटिंग करके। प्लेटिंग करते हैं, इसी तरह सभी पराठे को रेडी करना है। देखिए फ्रेंड्स, लच्छे अलग अलग दिख रहे हैं। आप इसे कोई भी ग्रेवी के साथ सर्व कर सकते हो, जिससे मन करे आप सर्व करें। आई होप फ्रेंड्स आपको लच्छे पराठे की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।